19 साल का लड़का एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत अपनी काम वाली बाई के प्यार में पड़ जाता है और किचन में उसका ही काम बजा रहा होता है। तो इस मूवी में हम लोग यही देखने वाले हैं। ये देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो आओ यार एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं बिना और किसी बकचोदी के। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम लोग जैक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि इंग्लैंड जा रहा होता है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने फादर के घर पे। हम लोग देखते हैं कि वो अपने घर पहुंचता है और हम देखते हैं उसके पापा उसे बाहर मिलने के लिए आते हैं। पर हमें यहाँ पे पता पड़ता है कि इसके और उसके फादर के बीच में जो रिलेशन गैप है वो बहुत ही ज्यादा है। ये अपने फादर से प्यार नहीं करता और इसका भी एक अलग रीजन है जो कि आपको आगे पता पड़ेगा। हम लोग देख रहे होते हैं कि जैक एक दिन स्मोक कर रहा होता है अपनी विंडो पे बैठा हुआ, तो वहां पे उसे एक औरत दिखती है। अब क्योंकि वो औरत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी तो हमारा जैक भाई उसे देख के अपने नन्नू को हिलाने लगता है, पर तभी वहाँ पे उसका पापा पीछे से आ जाता है और उसे पकड़ लेता है ये सब करते हुए। अब ये सीन यहाँ पे जैक भाई के लिए बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड था और मैं होप करता हूँ कि ये सीन आपकी लाइफ में कभी ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैक का फादर कुछ ज्यादा ही खुले विचारों का आदमी था। वैसे कुछ ज्यादा ही खुले विचार नहीं हो गए इसके, खैर जोड़ो। अब हम देखते हैं कि वो यहाँ पे जैक को बताता है कि ये उनकी नई मेड है और उसका नाम है मैरी जो कि सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। हम लोग देखते हैं जैक को जो कि उस मेड से बातें कर रहा होता है और उसे बताता है कि उसकी जो पहली मॉम थी वो मर चुकी है और उसके डैड ने उसके बिना बताए ही दूसरी शादी कर ली जिसके कारण वो अपने डैड से बहुत ज्यादा नफरत करता है। यहाँ पर जैक भाई उस खूबसूरत मेड की सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा था ऐसी ऐसी इमोशनल बातों को करके जिससे कि मैरी द मेड को ऐसा लगे कि जैक तो भाई बेचारा है और वो उसके प्यार में गिर जाए और जैक उसके साथ बाद में इंटीमेट हो सके। अब हम देखते हैं कि जैक बाहर घूमने के लिए पार्क में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि खूबसूरत थी, पर उस लड़की की दाल यहाँ पे नहीं गलने वाली थी क्योंकि जैक को मैरी पसंद थी। तभी हम देखते हैं मैरी को जो कि वहीं से निकल के जा रही थी और वो इन दोनों को बात करते हुए देख लेती है। अब हम जैक को देखते हैं जो कि छुपके से मैरी की फोटोज खींच लेता है। यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो मैरी होती है वो जैक से पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए, उस लड़की के साथ तुमने टाइम स्पेंड क्यों नहीं। तो जैक यहाँ पर उससे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और मैं नहीं चाहता किसी और लड़की को देखना, मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूँ। अभी बातें सुनकर जो मैरी है वो भी खुश हो जाती है। और तभी हम लोग देखते हैं मैरी यहाँ पे जैक को अपनी सैड स्टोरी सुनाने की कोशिश करती है जहाँ पर वो इमोशनली ब्लैकमेल करती है जैक, जिससे जैक भी उसे सिंपथी देने लगता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर भी करने लगे थे। अगले दिन हम लोग देखते हैं जैक और मारिया घर में अकेले थे और इस मौके का पूरा इस्तेमाल करना कोई जैक से। हम लोग देखते हैं कि जैक यहाँ पे मारिया के साथ गपागप भी करता है, पर अभी हम लोग देखते हैं कि उसकी जो हवस थी वो अभी शांत नहीं हुई थी। वो अपने फोन में मारिया की फोटोज को निकाल के अपने नन्नू के साथ खेलने लगता है। अब अपने नन्नू से थूक निकलवाने के बाद यहाँ पर हमारा जैक भाई सो जाता है। अब अगले दिन हम लोग मारिया के एक्स हस्बैंड को देखते हैं जो कि मारिया से मिलने के लिए वहीं पर आ जाता है और वो यहाँ पर मारिया से सॉरी मांगता है जो भी उसने उसके साथ किया। और इन दोनों की बातों को हम लोग देखते हैं कि जैक पीछे से सुन रहा होता है और हम लोग देखते हैं कि मारिया अपने एक्स हस्बैंड को माफ नहीं करती और उसे वहां से चले जाने के लिए बोलती है, जिसके बाद हमारे जैक भाई के मन में लड्डू फूट जाते हैं और उसे पता पड़ जाता है कि उसका जो माल है वो उससे नहीं छीनने वाला। अब हम लोग देखते हैं कि अगले दिन जैक का बर्थडे था और हम लोग देखते हैं कि जैक किचन में जाता है और वो मारिया से मिलता है जहाँ पर मारिया उसे बर्थडे विश करती है, जिसे सुनकर जैक को बहुत ही अच्छा लगता है और मारिया जैक से कहती है कि तुम्हें अपने बर्थडे पे क्या चाहिए। तो जैक यहाँ पर उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बिल्ली को छूना चाहता हूँ, जिसे सुनकर मारिया बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जैक उसे टच करने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी यहाँ पे मारिया उसको वहां से थप्पड़ मार देती है जिससे कि जैक को बहुत ही ज्यादा खराब लगने लगा क्योंकि मारिया उसे कहीं ना कहीं पसंद करती थी पर उसने अब थप्पड़ मार दिया। अब हम लोग देखते हैं कि इनके गेट पे एक डोरबेल बजता है, वहां पर वही लड़की आती है जो कि यहाँ पे जैक को प्रपोज करने की कोशिश कर रही होती है। जैक उसके साथ जाता है और उसको बताता है कि उसका उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वो नहीं चाहता कि वो लड़की उससे बात करे। अब इसके बाद जैक वापस अपने घर पे आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मारिया वहाँ पे रो रही होती है। तो जैक उसके पास जाता है उसे मनाने के लिए, तो जैक उससे कहता है कि मैं तुम्हें हग करना चाहता हूँ। इस बात के लिए मारिया मान जाते हैं और वो हग करने लगते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि जो जैक था उसकी जो हवस थी वो और ज्यादा जाग जाती है और वो मारिया को अलग अलग जगहों पर टच करने लगता है, उसके साथ गंदी हरकतें करने लगता है। पर तभी यहाँ पे मारिया उसको वहां से भगा देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहती, तुम मेरे से बहुत ही ज्यादा छोटे, और वो दूसरे कमरे में चली जाती है। जिसके बाद हम लोग जैक को देखते हैं जो कि उसके पीछे पीछे आ जाता है। पर तभी हम लोग देखते हैं कि जो मारिया है वो जैक से कहती है कि तुम 19 साल के और मैं 40 साल का, हमारा कोई भी फ्यूचर नहीं है। तो जैक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद जैक कुछ और समझाता है और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इन दोनों के बीच में पलंग तोड़ होता है। हम लोग देखते हैं कि मारिया किचन में काम कर रही होती है और जैक का जो छोटा चेतन था वो अभी बैठा नहीं था। हम लोग देखते हैं कि जैक उसको टच करने लगता है, पर तभी वहाँ पे जैक का फादर आ जाता है जिससे कि जैक की फटके चार हो जाती है। वैसे आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी कि इस मूवी में जैक के फादर की टाइमिंग कितनी ज्यादा भयंकर है, क्योंकि जब जैक कुछ ऐसा वैसा घोटाला करने की कोशिश करता है तभी उसके पापा वहाँ पे टपक पड़ते हैं और जैक के सारे मजे को किरकिरा कर देते हैं। हम लोग देखते हैं कि जैक के फादर यहाँ पे जैक को उसका बर्थडे गिफ्ट देने के लिए आए थे और वो उसे गिफ्ट दे रहे होते हैं, पर तभी हम लोग जैक को देखते हैं जो कि अपने डैड से कुछ अलग आवाज में बात करने लगता है, यानी कि वो उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा था तो उनसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था।
हम लोग यहाँ पे मैरी को देखते जो कि जैक को समझाते कि तुम्हें अपने डैड से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए और तुम्हें उससे सॉरी मांग के आनी होगी। तो जैक अपने डैड के साथ जाता है और उनसे सॉरी मांगने लगता है। वैसे रियल लाइफ में मैं दोस्तों आप लोग को एक सलाह दूंगा कि अपने डैड से कभी भी उल्टा मत बोलना, क्योंकि वही एक ऐसा इकलौता इंसान है जो कि तुम लोगों के लिए ही दिन रात मेहनत कर रहा है। खैर छोड़ो, कंटिन्यू करते हैं। अब अगले दिन हम लोग जैक को देखते हैं जो कि बाहर मारिया से मिलता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये दोनों मारिया के घर पे जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं मारिया कुछ इमोशनल बातें जैक से करने लगती है और अपने आंसू टपकाने लगती है। अब जब जैक उसे सिंपथी देता है तो वो जैक के साथ यहाँ पे पलंग तोड़ करती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के बीच के रिलेशन भी बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं जैक अपने फादर से मिलता है, जहाँ पर वो भी अब उनके साथ अच्छे से बातें करता है। एंड अब फाइनली ये इस मूवी की एंडिंग चल रही होती है, क्योंकि अब जैक का वापस अपनी कंट्री में जाने का टाइम हो गया था। हम लोग देखते हैं कि जैक वापस अपनी कंट्री में चल जाता है जहाँ से वो आया था पढ़ाई करने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मैरी को भी जैक यहाँ पे मैरी से भी मिलता है, उसे फाइनल गुड बाय कह के अपने घर वापस चला जाता है और मैरी भी वापस अपने घर चली जाती है। इसी के साथ दोस्तों ये जो मूवी है यहीं पे खत्म होती है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन सच में ही अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक दे देना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं कुछ अच्छी वीडियोस बना रहा हूँ जो कि आप लोगों को सच में पसंद आ रही है, और आगे मैं आपके लिए एक ऐसी ही वीडियो लाता रहूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।